विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जोईशुं दळनुं मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। पदार्थमां रहेला द्रव्यना जथ्थाने दळ अथवा द्रव्यमान कहे छे। अने पदार्थनुं द्रव्यमान ए तेनो मूलभूत गुणधर्म छे। दळ ए पदार्थनी अवकाशमां स्थिति, दबाण के तापमान पर आधारित नथी। अने दळनो एसआई एकम किलोग्राम छे, जेने संकेतमां केजी वडे दर्शावामां आवे छे। तो आंतरराष्ट्रीय तोलमाप संस्था द्वारा किलोग्रामनी प्रतिकृति ए बधा ज देशोने आपवामां आवेली छे। भारतमां किलोग्रामनी प्रतिकृति ए नवी दिल्ली खाते राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी में राखवामां आवेली छे। तो अहीं पदार्थनुं दळ एक किलोग्राम एकममां मापवामां आवे छे, परंतु परमाणुओ, अणुओ ना द्रव्यमान ए किलोग्राम एकममां मापवा योग्य नथी। पण आ माटे एक खास एकम एटमिक मास यूनिट के जेने टूंकमां AMU वडे दर्शावामां आवे छे, तेनी मददथी मापवामां आवे छे। अने तेने टूंकमां यूनिफाइड यू वडे दर्शावामां आवे छे। तो परमाणु अने अणुओना द्रव्यमान ए एटमिक मास यूनिट AMU जेने टूंकमां यू वडे दर्शावामां आवे छे। तो एटमिक मास यूनिट एटले शू? अनुत्तेजित कार्बन 12 ना परमाणु दळना 12मा भागने एक AMU एटमिक मास यूनिट कहे छे। अने एक AMU बराबर 1.66 गुण्या 10^-27 घात किलोग्राम लखी शकाय। तो अहीं आपने दळनुं मापन करवुं छे। तो सामान्य वस्तुओनुं मापन ए दुकान के प्रोविजन स्टोरमां जोवा मळता सामान्य भौतिक तुलानी मददथी करी शकाय छे। परंतु ग्रहो के ताराओ जेवा विशाळ पदार्थोना दळोनुं मापन ए ન્યૂટનના ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમની મદદથી કરવામાં આવે છે। પરમાણુ અણુ જેવા સૂક્ષ્મ કણોના દ્રવ્યમાનનું માપન એ માસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફ વડે નક્કી કરવામાં આવે છે। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ में समान विद्युत अने चुंबकीय क्षेत्र में वीज भारित कणना गतिमार्ग की त्रिज्या तेना दळ ने सम प्रमाण में होय छे। तो हवे आपणे जोईए दळना मापक्रमनो विस्तार। दळनु सौथी नानामां नानुं मूल्य ए इलेक्ट्रॉननुं दळ छे, अने तेनुं मूल्य ए 10^-30 घात किलोग्राम जेटलू छे। अने अवलोकित विश्व तेनुं दळ 10^55 घात किलोग्राम जेटलू होय छे। तो आम अहींया आपणे सौथी नाना दळ एटले के 10^-30 घात किलोग्राम थी 10^55 घात किलोग्राम सुधीना दळनो अभ्यास करवानो होय छे।